बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, गर्ल्स। अब आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4, ग्रुप 5 ए एंड ग्रुप 6 ए एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में इसका जो पहला पार्ट इंक्लूडेड है, दैट इज़ पॉइंट 4.1, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू दिस ग्रुप। इस ग्रुप में जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, दे आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। एंटीमनी SP, डेट स्टैंड्स फॉर स्टेलबियम। ठीक है, स्टेलबियम से एंटीमनी आपके पास जो है, ये इसका SB जो है, इसका एंटीमनी का सिंबल है। एटॉमिक नंबर जैसे कि आपको कैलकुलेट करना सिखाया हुआ है कि फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर इफ इट इज 7, देन द एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस विल बी 7 + 8 = 15, + 18 = 33, देन + 18 = 51, एंड देन 32 ऐड करें 51 में, तो 83 विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ बिस्मथ। ओके, नाउ इट इज ग्रुप 5A, सो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होगी कि 5 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट शेल में अवेलेबल हैं, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन्स एस और पी में अवेलेबल होंगे, यानी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2NP3 होगी। मीन्स के जैसे इफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड, देन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन द लास्ट शेल विल बी 2S2 2P3, and if it is present in the third period like phosphorus, then 3s2 3p3, means px py and pz they will have one electron in each. Okay, now this is electronic configuration. Physical appearance is what about nitrogen? It is a gas, you know that, or 78% by volume atmosphere mein available hai, and is a colorless gas. Phosphorus and arsenic, antimony and bismuth, all are solids. Okay, फास्फोरस ब्लैक सॉलिड की फॉर्म में अवेलेबल है नेचुरली, जबकि आर्सेनिक जो है वो मेटालिक सॉलिड है। स्टेलबियम एंड बिस्मथ, दे आर ऑल्सो मेटालिक सॉलिड्स। ठीक है, फर्दर है आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड यू ऑल नो डैट इनके ट्रेंड्स ऐसे हैं कि डाउन द ग्रुप ही डिक्रीज ही होती हैं। अटोमिक रेडियाई की बात करें तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, सो डैट विद द आयोनिक रेडियाई। सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट, जैसे जैसे आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन इज अ गैस व्हाइल अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड्स, सो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बढ़ते जाएंगे। डेंसिटी भी इंक्रीज होगी बिकॉज मैस एंड वॉल्यूम बोथ आर गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नाउ वट अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें जनरली +3 और +5 तक रहती है। आयोनिक कंपाउंड तो नहीं बनाते, लेकिन जनरली कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, और उन कोवेलेंट कंपाउंड में इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा +3 या +5 की फॉर्म में रहती है। जैसे NH3, PCl5, PCl3, ये सब कंपाउंड जो हैं इनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस वगैरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 और +5 के अराउंड होते हैं। ओके, नाउ व्हेन वी कम टू द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, देन वी विल से दैट नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ग्रुप 5A के, दे शो द टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। दे बोथ आर नॉन मेटल्स। एज यू सी डैट फास्फोरस एक नॉन मेटल है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में है, और सिमिलरली जो आपके पास नाइट्रोजन है, दैट इज इन गैशियस फॉर्म। ओके, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर नॉन मेटल्स एंड गिव एसिडिक ऑक्साइड, एंड वी ऑल नो डैट के जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमेशा एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इस पर पॉइंट लगाना चाहें तो हम इन पर पॉइंट्स भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं कि ये जो है ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है, कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, दे गिव एसिडिक ऑक्साइड, ठीक, एंड द थर्ड वन इज द कंपाउंड्स आर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट, यानी कोवेलेंट फॉर्म बॉन्ड, यानी कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड्स, हाउएवर बिस्मथ एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप शोज डेफिनेट मेटालिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, द मेटालिक करेक्टर इंक्रीज गोइंग डाउन द ग्रुप, जैसे हम देख रहे हैं कि पहले ऊपर नॉन मेटल्स हैं, फिर मेटलॉइड्स हैं, एंड देन वी गेट प्योर मेटल, दैट इज बिस्मथ। नाइट्रोजन हैज द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। एंटीमनी एंड बिस्मथ हैव द लीस्ट।
ओके द ट्रेंड डाउन द ग्रुप आल्सो, क्योंकि बिस्मत तो है ही मेटेलिक, तो मेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या है, दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. द ट्रेंड डाउन द ग्रुप आल्सो शिफ्ट फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्डिंग टू आयोनिक बॉन्डिंग. ओके, यानी इनमें एक वेरिएशन है बहुत ज़्यादा इस ग्रुप में, डैट के अपर जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप के टॉप एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द ग्रुप दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स, वाइल द अदर एट द बॉटम, जैसे कि वो मेटल्स हैं, दे टेंड टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड. फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी दे ऑल हैव एलोट्रॉप्स एज वेल. ठीक है, एलोट्रॉप्स आपको पता है, जब एक एलिमेंट एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसकी एलोट्रॉप्स कहलाती है. एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस दे आर रेड एंड वाइट, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी. ठीक है, दैट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. फास्फोरस एंड अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कैन मेक यूज ऑफ डी ऑर्बिटल्स. ठीक है, दे कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन देयर बॉन्डिंग. दिस इज बिकॉज द एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिटल इज नॉट मच ग्रेटर देन दोज ऑफ अदर वैलेंशियल ऑर्बिटल्स. यानी हमने देखा कि सिर्फ हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो डी ऑर्बिटल इस्तेमाल नहीं करती, बिकॉज नाइट्रोजन एक छोटा एलिमेंट है साइज में. ठीक है, लेकिन फास्फोरस जैसे एलिमेंट्स अपने डी ऑर्बिटल यूज करते हैं. डेट्स वाई फास्फोरस फॉर्म PCl5. दिस इज बिकॉज द एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिटल इज नॉट मच ग्रेटर देन दोज ऑफ अदर वैलेंशियल ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ फास्फोरस. फॉर एग्जाम्पल, फास्फोरस कैन मेक यूज ऑफ इट्स 3s 3p and the empty 3d orbital during bonding with other elements. In phosphorus, one of the 3s electron can be promoted to vacant 3d orbitals. अगर मैं आपको इसे व्हाइट बोर्ड से शेयर करूं तो जस्ट आप देखें इसको, कि अगर हम देखते हैं ऑन व्हाइट बोर्ड, थोड़ा सा आपको बता देती हूं कि अगर हम, जैसे हमारे पास है अवेलेबल ऑर्बिटल 2s. ठीक है, फिर सपोज इन केस ऑफ फास्फोरस विच इज प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड, इट इज हैविंग 3s, ओके, 3p एंड 3d. अगर हम देखें तो इसके बाद जो है 4s आएगा और उसके बाद जो है 3d आता है. ठीक है, 4s आएगा एंड देन वी विल गेट 3d. लेकिन d और p की एनर्जी जो है डिफरेंस वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से क्या है, कहता है कि आपके पास यहाँ पे जो 4s है इसकी एनर्जी तो हाई है, लिहाजा 3s 3p और 3d. तो 3d और 3p की एनर्जी इतनी कम है कि फास्फोरस 3d में भी इलेक्ट्रॉन्स को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है. अगर हम देखें तो फास्फोरस में जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रही है 3s2, ठीक है, और 3p में 3 आते हैं. ठीक, अब जब ये बॉन्डिंग करता है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकता है 3d में, और एज अ रिजल्ट हमारे पास d में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होके वन इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट होके आपके पास इस तरह फास्फोरस में, और p में ऑलरेडी आपको पता है कि px 3px, ठीक है, 3py, एंड यू नो दैट 3pz में एक एक इलेक्ट्रॉन सब में आ जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फास्फोरस के पास एक कितनी अवेलेबल वैलेंसी हो गई, 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो फास्फोरस है 5 half-filled orbitals. ओके, जब फास्फोरस के पास 5 half-filled orbital है तो फास्फोरस कैन मेक 5 covalent bonds. ठीक है, इस तरह फास्फोरस में जो PCl5 बनाने की टेंडेंसी है वो ज्यादा है. ओके, होप आपको समझ आ गई होगी. ठीक है, कम टू द टॉपिक. यस, नाउ फिर सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं. फास्फोरस एंड अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, ठीक है, कहता है अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कैन मेक यूज ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन देयर बॉन्डिंग. This is because the energy of these orbital is not much greater than those of other valence shell orbitals. Energy difference बहुत कम है. For example, phosphorus can make use of its 3s, 3p and the empty 3d orbitals during bonding with other elements. In phosphorus, one of the 3s electrons can be promoted to vacant 3d orbital, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है, giving 5 unpaired electrons in the valence shell. Clear? Phosphorus can thus make 3 or 5 covalent bonds. Indeed, 3 and 5 are the common valencies of the group 5A element.
Next is nitrogen and its compounds. Occurrence nitrogen, as you know, that is present in fresh, in free state in air as a major constituent, ठीक है, 78% by volume. It is an inactive gas in comparison with oxygen, यानी non-reactive. Inactive का मतलब है non-reactive. Otherwise, air में बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन इतनी ज़्यादा reactive नहीं है. It depends, इस reactivity जो है, temperature और pressure dependent है. In comparison with oxygen, which is the next major constituent of air. Inorganic compounds of nitrogen are not commonly found as minerals. यानी हम देखते हैं कि nitrogen के compounds minerals की form में बहुत ही कम available होते हैं. जैसे हमने देखा था कि calcium, magnesium, जो हमने metals पढ़ी पीछे, aluminium तक पढ़ा, उन सब की ores हैं और उन ores से हम उन elements को extract कर रहे हैं. लेकिन nitrogen के case में कहता है कि nitrogen के mineral ores बहुत ही कम हैं या available नहीं हैं, commonly found नहीं किए, तब commonly available नहीं हैं. That's why हम जो हैं ये generally nitrogen को fractional distillation of air से extract करते हैं या फिर different chemical reaction से. In combined state, nitrogen is found in all living matters, including animals and plants, in the form of proteins, urea and amino acids. ठीक है, इसलिए naturally नहीं बल्कि living bodies के अंदर जो है ये मौजूद होता है. अगर हम बात करें oxides of nitrogen की, तो nitrogen forms several oxides with oxygen. ठीक है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं ऑक्सीजन के साथ. कॉमन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर N2O5, N2O, ये जैसे N2O है फर्स्ट वाला, फिर NO है, NO2 है, या आपकी बुक में प्रॉपरली इसकी डायग्राम जो है वो क्लियर बनी होगी. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिम है ये इस स्लाइड में, बट दिस इज N2O, N डबल बॉन्ड O. ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N एंड O. ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड विद ओ. दिस इज नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड कह सकते हैं आप इसको, या फिर इसको हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लीस्ट है, यानी कम है. दिस इज NO, विच इज नाइट्रिक ऑक्साइड. इसमें ऑक्सीजन की जो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नाइट्रस ऑक्साइड से ज्यादा है. ठीक है, दिस इज नाइट्रोजन ऑक्साइड NO. यहाँ पर नाइट्रोजन अगरचे तीन बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना रहा है तो ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी ये है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है. सो ऑक्सीजन विल मेक वन डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रह जाएगा. दिस इज डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3. नाइट्रोजन पाँच को वैलेंट बॉन्ड, तीन को वैलेंट बॉन्ड बनाएगी, ये वाली नाइट्रोजन तीन को वैलेंट बॉन्ड बना रही है. ठीक है, और ऑक्सीजन भी अपना डबल बॉन्ड पूरा कर रही है. और ये वाली जो नाइट्रोजन है इसके तीन तो कोवैलेंट बॉन्ड है और एक बॉन्ड जो है वो इसका कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है, जिसमें ये अपना लोन पेयर शेयर कर रही है विद द ऑक्सीजन. ठीक है, सिमिलरली एंड नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड है, दिस इज NO2. NO2 में क्या होता है, NO2 में आपके पास एक नाइट्रोजन जो है डबल बॉन्ड बना रही है. ठीक है, और एक तरफ नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑक्सीजन को शेयर कर रही है, एंड ड्यू टू डैट इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है. एंड दिस इज डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड. डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड में फॉर्मूला है N2O5. तो ऑक्सीजन के थ्रू दो नाइट्रोजन एटम आपस में लिंक होंगे. आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है N2O5 जो है ये दो NO2 ग्रुप अटैच है थ्रू ऑक्सीजन. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है क्लास, नेक्स्ट देखते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O. इसकी प्रेपरेशन, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रस एसिड HNO2 ऑन मेटालिक जिंक. फोर जिंक प्लस 10 HNO2 डाइल्यूट, we will get zinc nitrate and 2O. This is laughing gas along with 5 water molecules. It is usually also prepared by heating ammonium nitrate to about 200 degrees Celsius. ठीक है, ammonium nitrate को आप heat करें, you will get N2O and water. To avoid the danger of explosion, ammonium nitrate can be replaced by a mixture of sodium nitrate and ammonium sulfate. यानी for the time being हम sodium nitrate ammonium sulfate को mix करेंगे, जिसके रिजल्ट में अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, और अमोनियम नाइट्रेट फिर डीकम्पोज होकर N2O और वाटर में कन्वर्ट होगा. अगर हम प्रॉपर्टीज को देखें डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की, तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस विद अ फेंट प्लेजेंट स्मेल एंड अ स्वीटिश टेस्ट.
इट इज फेयरली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, इट्स मिक्सचर विद अ लिटिल ऑक्सीजन इफ इनहेल्ड फॉर अ सफिशेंटली लॉन्ग टाइम, यानी काफ़ी देर तक अगर हम इसे इनहेल करते रहें तो ये एक हिस्टेरिकल डिसऑर्डर या लाफ्टर क्रिएट करता है जिसे हम लाफिंग गैस कहते हैं। इसमें इंसान का फेस जो है वो ऐसे बन जाता है जैसे वो हंस रहा है, लाफिंग है उसके फेस पे, लेकिन एक्चुअली ये एक हिस्टेरिकल यानी टिश्यू का डिसऑर्डर हो जाता है, जॉज में प्रॉब्लम आती है और ये डेंजरस है टू इनहेल। ओके, इसके रिएक्शंस भी अगर हम देखें तो इसे इट इज नॉट कम्बस्टिबल बट रिजेंबल्स ऑक्सीजन इन रिकिंडलिंग अ ग्लोइंग स्प्लिंटर। मतलब इसको भी आप जितना ऑक्सीजन चीज़ों को जलाती है, बर्न करती है, ठीक है, ये भी जो है चीज़ों को जलने में हेल्प करती है, जैसे N2O रिएक्ट विद सल्फर टू फॉर्म SO2 एंड नाइट्रोजन गैस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इट सपोर्ट्स कंबस्टन इफ बर्निंग सब्सटेंसेस सच एज सल्फर, फास्फोरस एट्सेट्रा आर टेकन इन द सिलेंडर कंटेनिंग दिस गैस। ओके, दिस इज फास्फोरस P4 डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, वी विल गेट फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, उसका डाइमर है P4O10 एंड वी विल गेट नाइट्रोजन गैस। व्हेन N2 इज पास्ड ओवर रेड हॉट कॉपर इट इज रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन। तो कॉपर के साथ ये रिएक्ट करके N2O इट विल फॉर्म क्यूप्रस ऑक्साइड अलॉन्ग विथ क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेगा CuO अलॉन्ग विथ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, वन ऑफ द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर।